الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر सफेद दूध करने और छोटे बच्चों को साइड पे करने जी हाँ दोस्तों, कुछ इसी तरह से हमारे बच्चों का नमाज से दिल तोड़ गया। जब बच्चे अक्सर मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं और मौलाना साहब का ऐलान होता है कि बच्चों को साइड पे कर दें या बच्चों को पीछे भेज दें, जब हमारे बड़े ये बात सुनते हैं तो फौरन गुस्से में बच्चों को या पीछे फेंक देते हैं या साइड पे फेंक देते हैं। जब बच्चे पीछे जाते हैं तो वही बच्चे शोर करते हैं और शोर करने की वजह से हमारे बड़े उनको मस्जिद से बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। अब इस वजह से बच्चों का दिल टूट जाता है नमाज से, मस्जिद जाने से, और दोबारा वो मस्जिद की तरफ बहुत कम ही जाते हैं और फिर हम शोर करते हैं कि बच्चे हमारे नमाज। एक तुर्किश कहावत है, जब तुम्हारी मस्जिद में बच्चों का शोर आना बंद हो जाए तो तुम्हारे ईमान के लिए लम्हा फिक्रिया है। यकीनन जो बच्चा आपके साथ खड़ा हो के नमाज़ पढ़ रहा है ना, वो दिल से नमाज़ पढ़ रहा होगा, शरारतें नहीं करेगा और यकीनन वो आपसे अच्छी नमाज़ पढ़ रहा होगा। अल्लाह ताला उसकी नमाज़ ज़्यादा कबूल करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए, हम जैसे बड़े लोग हैं ना, हमारा जो माइंड है दुनिया के कामों में मसरूफ़ रहता है। हम नमाज तो पढ़ रहे होते हैं, सजदा तो हम अल्लाह को कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे दिल में और हमारे दिमाग में दुनिया ही ख्याल चल रहे होते हैं। लेकिन वही बच्चा जिसे दुनिया की बिल्कुल फिक्र नहीं होती, वही बच्चा अल्लाह के आगे जब सजदा करता है ना, तो वो बिल्कुल मोहब्बत से सजदा कर रहा होता है और उसी बच्चे का हम दिल तोड़ देते हैं और दिल तोड़ने की सज़ा। हुजूर ने पूछा, आयशा मशवरा हो गया? कहा जी हुजूर हो गया। कहा मांगो, क्या मांगती हो? कहा हुजूर, मेराज की खलवत खास में जब अल्लाह के हुजूर हाजिर हुए, रब ने आपसे राज की बातें की, तो उन बातों में से एक बात बता दें। कहा आयशा, सुनो, जब मैं कुर्बे खास में पहुंचा तो मेरे मालिक ने मुझसे राज की जो बातें की उनमें से एक बात ये थी, महबूब, तेरी उम्मत में से कोई शख्स किसी शख्स का टूटा हुआ दिल जोड़ दे तो मेरे ऊपर लाजम है बगैर हिसाब के जन्नत अता करूंगा। उम्मुल मोमिनीन बहुत खुश हुई और अपने वालिद गिरामी सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला के पास आई और सारी कहानी सुनाई। बहुत खुश थी, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने सुना तो रोने लगे। तो उम्मुल मोमिनीन सैयद आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने अर्ज किया, मेरे वालिदे गिरामी, ये बात रोने वाली तो नहीं है? फरमाने लगे, आयशा, इसको माकूस भी पढ़ो, तस्वीर का दूसरा रुख भी देखो, अगर कोई शख्स किसी का टूटा हुआ दिल जोड़ दे तो बगैर हिसाब के जन्नत में जाएगा, इसका दूसरा रुख ये है, अगर कोई किसी का दिल तोड़ बैठे तो सीधा जहन्नम में जाएगा। मैं इस बात पर रो रहा हूँ कि हमसे किसी का दिल ना टूट गया हो। तो क्या वाकई हमारे लिए ये लम्हा फिक्रिया नहीं है? क्या हमें इस बारे में सोचना नहीं चाहिए? ज़रूर, ज़रा सोचिए।